हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। आज का वीडियो है मीशो होम डेकोर हॉल। सारे प्रोडक्ट फेस्टिवल रिलेटेड है, दिवाली आ ही चुकी है। आई नो ये वीडियो आप लोगों को एक वीक पहले ही मिल जाना चाहिए था, बट मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से ना मैं शूट कर पा रही थी ना वॉइस ओवर कर पा रही थी, क्योंकि आवाज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इवन अभी भी आप लोगों को थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो ये प्रोडक्ट अभी भी आप परचेस करते हैं तो दिवाली के पहले आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं और ये सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल गए हैं। तो हो सकता है मैंने जो प्रोडक्ट अभी परचेस किए हैं उनके प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए, तो सारे प्रोडक्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जो खरीदा है हो सकता है वो प्राइस कम हो गया हो, ज्यादा भी हो जाता है। तो आपको मीशो पे आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मीशो के जो प्राइस है कभी कुछ दिखाई देते हैं। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आपने इतने कम में खरीदा है, अभी तो इसकी प्राइस बहुत हो गई है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने खरीदा है उसके बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस कम भी हो जाती है। तो ये मीशो पे चलता रहता है, तो आप विशलिस्ट कर लेना आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। इवन ऐसे प्रोडक्ट है जो आप पूरे साल भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर होम डेकोर और मैंने पिक किए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसी तरीके के होम रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, इसे आप दिवाली ही नहीं आने वाले किसी भी फेस्टिवल में यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुए हैं। जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी आवाज आएगी जिसमें आरती करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मिले हैं और साथ में इस तरीके के, इन्हें क्या कहते हैं मुझे प्रॉपर इनका नाम तो नहीं पता है, तो बहुत ही प्यारी आवाज आती है। तो ये सेट ऑफ टू है, तो दो लोग आराम से इनको कैरी कर सकते हैं पूजा के टाइम पर, यदि आप बहुत सारे लोग हैं घर में। और इस तरीके के तो ये तीन चीजें मुझे रिसीव हुई है। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्राइस मुझे किसी भी प्रोडक्ट का याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाया था। आई थिंक 1 मंथ हो गया ये सारे प्रोडक्ट आए हुए, बट मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस पे हरे कृष्णा लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये पूरे साल आप अपने किसी भी फेस्टिवल की आरती में यूज कर सकते हैं। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मेरे तो बहुत काम आने वाला है। यदि आप भी पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखते हैं और डेली आरती करते हैं तो ये बहुत काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, आप इसको जरूर परचेस करना। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये है उरली सेट। मैंने आई थिंक बहुत सारे हॉल वीडियो में डिफरेंट टाइप की उरली आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, उन्हें आप किस तरीके से सजाएंगे इवन ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो चेक कर लेना। किसी भी तरीके की हैंगिंग उरली हो, स्टैंड उरली हो, मैंने सारी चीजें शेयर की है। पर इस बार जो मैंने उरली मंगवाई है वो उरली काइंड ऑफ ही है, पर डेकोरेशन में बहुत काम के आने वाली है। और सबसे अच्छी बात, ये सेट ऑफ 7 है, तो इसे तरह तरह से यूज कर पाएंगे। इस तरीके से ये मुझे पैकेजिंग में रिसीव हुई है, यू कैन सी। तो ये सेट ऑफ 7 है और मैं आपको एक दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको ये मिलेगी, तो बीच में आप फ्लावर रख दीजिए, साइड में आप दिया लगा सकते हैं, कैंडल्स लगा सकते हैं। और ये मेटल की बनी हुई है, प्रॉपर गोल्डन फिनिश है, और इतने कम प्राइस पे आपको सेट ऑफ 7 कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। और ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी और इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छे से रिसीव हुई है। बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। तो सारी आप देख सकते हैं इस तरीके से 7 सेट ऑफ 7 मुझे मिली है। तो आप इसको तरह तरह से यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में या वॉल के कॉर्नर से आप इनको सजा सकते हैं। यदि आप बहुत सुंदर सी रंगोली बना रहे हैं उनके साइड पे लगा सकते हैं, इवन फ्लावर्स के साथ रंगोली बना सकते हैं। तो दिवाली पर आप इसको तरह तरह से यूज कर पाएंगे। अगर मैं हो सका तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगी इंस्टाग्राम पर भी, और
यूट्यूब पर भी। तो यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो जरूर आप मुझे फॉलो कर लो, वहां पर आपको डेकोरेशन के साथ साथ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के रिव्यू देखने के लिए मिलते हैं और वहां पर पहले अपडेट आ जाता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो जरूर कर लेना और ये उर्ली आप जरूर परचेस कर लेना। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मैं डालती हूँ पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप प्रोडक्ट मंगवा लीजिए, दिवाली को अभी थोड़ा सा टाइम है उससे पहले। आई थिंक ये प्रोडक्ट मुझे मैंने ऑर्डर लगाया था और 3 से 4 दिन में मिल गया था, तो आपको भी ये मिल जाएंगे क्योंकि मैं तो जहां रहती हूँ वहां पर तो पार्सल थोड़ा लेट ही डिलीवर होता है। यदि आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपको जरूर 2 या 3 दिन में मिल जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है तुरंत ऑर्डर कर देना क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने में टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन बहुत काम आने वाली चीज है यदि आप पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरीके से ये दिया मुझे मिला है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मीशो से खरीदा। कई लोग बोलते हैं कि मीशो पर क्वालिटी वाइज चीजें अच्छी नहीं मिलती, बट मुझे तो जितने प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं क्योंकि मैं प्रॉपर रिव्यू चेक करती हूँ, इमेजेस देखती हूँ, उसके बाद ही ऑर्डर करती हूँ। और अभी तक मेरे सारे प्रोडक्ट अच्छे आए हैं, 1-2 प्रोडक्ट ही अभी तक मेरे खराब आए हैं जिनको मैंने रिटर्न किया है, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रास का दिया है, प्रॉपर हैवी है। आप ये मत सोचना कि इतने कम प्राइस पर मिल रहा है तो क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और साइड में आप देख रहे हैं सारे स्टोन लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, कहीं से भी कुछ भी निकलने का डर नहीं है। और दिवाली पर यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं इस तरीके से दीपक में अगर आप दिया लगाते हैं बहुत सुंदर लगेगा। इवन डेकोरेशन भी यदि आप करते हैं उर्ली के साइड में ये वाला दीपक बीच में लगा के भी आप फ्लावर के साथ डेकोरेशन करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मुझे तो ये दीपक बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और रीजनेबल प्राइस है। इतने कम प्राइस पे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में भी आपको चीजें मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने रीपर्चेस किया है। यदि आप लोगों को रंगोली बनाना नहीं आता तो मैंने ऑप्शन दिए थे आपको, एक रंगोली मैट दिखाई थी और एक एमडीएफ कटआउट दिखाए थे, तो उसी का ये छोटा वर्जन है। मैंने पहले आपको जो रंगोली का कटआउट दिखाया था वो बड़े साइज का था, मैं चाहती थी उसके आइट साइड पर भी मैं थोड़ी सी रंगोली बड़ी बनाऊं। तो इस तरीके के एमडीएफ के कटआउट आप ले सकते हैं, जस्ट आपको इसमें कलर फिल करना है और बस आपकी रंगोली बन गई। आपको ज्यादा मेहनत करने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग कलर फील कीजिए रंगोली के। इवन आप, मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन मिला था कि इसमें आप रेजिन आर्ट भी कर सकते हैं, रेजिन आर्ट प्रॉपर करके मतलब परमानेंट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी है। बट मैंने इसलिए लिया है कि मैं जो बड़ा वाला कटआउट है मैं आपको दिखा दूंगी, जो मैंने पहले लिया था वो आउट ऑफ स्टॉक आई थिंक चल रहा है, काफी लोगों ने परचेज भी किया है, वो वीडियो में मेरी वायरल हुई थी। तो उसमें आप साइड में अगर लगाते हैं तो इस तरीके के 6 कटआउट आते हैं और ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिली है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है फेस्टिवल में बहुत काम आती है, हमारा टाइम बचाती है क्योंकि फेस्टिवल में एक ही काम नहीं होता, घर में हजारों काम होते हैं, क्लीनिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर रंगोली के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो यदि आप लोगों को रंगोली नहीं आती और आप चाहते हैं आपका टाइम भी बचे तो आप इस तरीके के कटआउट्स ले सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे, एक ही टाइप के डिजाइन है और मैंने इसी तरीके के ऑर्डर किए, इसमें और भी वैरायटी मिल जाएगी बहुत सारी। तो जो भी मुझे लिंक मिलेंगे मैं दे दूंगी आपको, जो डिजाइन पसंद आती है आप ले सकते हैं और मुझे तो लगता है ये बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट है तो आपको जरूर परचेस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन बहुत ही काम का प्रोडक्ट है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये हर दिवाली में आपको यूज आने वाले प्रोडक्ट है पर आपको इसको बार बार रीपर्चेस करना होगा। तो मैं बात कर रही हूँ इस तरीके के घी के दीपक और दिया बाती की। तो दिवाली में हम इतने सारी कैंडल्स लगाते हैं, तेल के दीपक भी लगाते हैं, ऑयल दीपक जो होते हैं, पर उसके अलावा यदि आप चाहते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी कि पूजा में आप इनको यूज करो, पूजा के लिए आप घर पे ही घी का दीपक बना सकते हैं। मैंने इन्हें डेकोरेशन के लिए मंगवाया क्योंकि कितना प्योर घी इसमें यूज हुआ होगा मुझे नहीं पता क्योंकि घी इतना महंगा है और उसमें आपको इतनी क्वांटिटी मिल रही है, 2 पैकेट मुझे मिले हैं दीपक के और इसमें आपको 50 इस तरीके से मिलती है। तो आप देखेंगे तो ये घी की है, आप ऑब्वियसली इतने कम प्राइस में आपको ओरिजिनल घी के दीपक तो नहीं मिलने वाले हैं। तो ये दिया इस तरीके से बाती बनी हुई है, बस आपको लगाना है ना, आपके हाथ गंदे होने वाले हैं। तो डेकोरेशन के लिए मैंने इसे पर्पसली मंगवाया है, तो इसमें आपको 50 आएंगे
इस तरीके से इसमें 50 है और इसमें 50 है, तो 100 दिया मिल जाते हैं। कई लोग 101 दीपक लगाना पसंद करते हैं, ऑयल के भी लगाते हैं, तो डेकोरेशन के लिए भी फिर हमें इतनी सारी चीजें करनी होती है, और जो ऑयल वाले दीपक होते हैं ऑलरेडी इतने सारे हो जाते हैं पूजा के टाइम पर, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन अच्छा है, यदि आप लेना चाहें तो इसे भी परचेस कर सकते हैं, पर मैं तो सजेशन दूंगी कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए आप यूज करो, पूजा के लिए हमारे पास ओरिजिनल घी होते हैं, हम जो घर पे बनाते हैं उनका यूज कर सकते हैं। मैंने तो इन्हें डेकोरेशन के लिए लिया है, आप भी अपने घर में इन्हें डेकोरेशन पर्पस से दिया लगा सकते हैं, उर्ली वगैरह के आइट साइट या रंगोली वगैरह के। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा परचेस लगा इतने कम प्राइस पे, और ये सारी चीजें ना बहुत ही फटाफट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो बिल्कुल देरी मत करना, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है तुरंत परचेस कर लेना, टाइम भी कम है और दिवाली के पहले आपको रिसीव भी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट मुझे पिछले साल दिवाली पर चाहिए था, उस टाइम पर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, काफी सर्च किया मैंने, मुझे नहीं मिला, फिर ये मुझे मीशो पर अचानक से दिखाई दिया, और वो भी इतने कम प्राइस पर इतनी अच्छी क्वालिटी में। तो मैं बात कर रही हूँ इस तरीके के एलिफेंट कैंडल होल्डर की, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है, इस तरीके की विंटेज चीजें, गोल्डन स्प्रे पेंट वाली चीजें मुझे पर्सनली दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हर किसी को अपने फेस्टिवल के टाइम पर गोल्डन एलिमेंट को ऐड करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो ये बहुत ही सुंदर सा कैंडल होल्डर है, प्राइस भी रिजनेबल है, क्योंकि ये मैंने अमेजोन पे देखा था, वहां पर प्राइस आई थिंक इसकी 200-300 रुपए तो ज्यादा ही था। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर कैंडल रखना होता है, और सामने से आप इसको जब रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा कैंडल का, तो मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। मीशो ने आजकल अपनी क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम किया है, तो बिना किसी टेंशन के आप मीशो से परचेस कर सकते हैं, इजी रिटर्न है। यदि कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी, कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया और आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट टूटा हुआ आया है, तो वो कई बार डिलीवरी की वजह से भी हो जाता है, तो आपको यदि कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है आप रिटर्न कर दीजिए। तो इस तरीके की चीजें अगर आप अपने फेस्टिवल में ऐड करते हैं तो यूनिक भी लगती है, और बहुत लोग पूछेंगे कि आपने कहाँ से परचेस किया, मेरे घर में तो ज्यादातर चीजें अमेजोन और मीशो फ्लिपकार्ट इन्हीं से आती है, मार्केट से आजकल चीजें खरीदना थोड़ा सा कम हो गया है वीडियोस की वजह से भी, और सेकेंड चीज मार्केट यहाँ का जो मार्केट है जहाँ मैं रहती हूँ उतना अच्छा मार्केट नहीं लगता, और प्रॉपर अगर आपको शॉपिंग करने जाना हो तो फिर इंदौर जाना होता है, इंदौर में काफी अच्छी चीजें मिल जाती। कभी अगर मैं इंदौर गई तो इंदौर का मार्केट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि कहाँ पर क्या चीजें मिलती है, क्योंकि काफी लोग आप मुझसे पूछते हैं, जैसे ये पीछे बुद्धा जी रखे हुए हैं, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कॉमेंट आए कि ये मैंने कहाँ से परचेस किया और इसकी लिंक दे दो, तो ये मैंने इंदौर लोकल मार्केट्स नोवेल्टी से मैंने इसको परचेस किया है, और बहुत ही सुंदर है। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बहुत सारे कलर ऑप्शन देखे थे, बट मुझे व्हाइट गोल्डन में ही चाहिए था, तो काफी सर्च करने के बाद मुझे ये साइज मिला, थोड़ा साइज मुझे भी बड़ा चाहिए था, बट इस कलर में यही साइज अवेलेबल था, तो इसके लिए काफी लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में इंदौर के लोकल मार्केट शेयर करूंगी, ताकि आप इंदौर या इंदौर के आसपास से हैं और आप परचेस करना चाहते हैं तो इजीली आपको पता चल सके कि कहाँ की शॉप और कैसी है। थोड़ा सा बोलने में ऐसा हो रहा है, और ये पीछे का जो मिरर है इसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये DIY मैं जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी काफी DIY आप लोगों के साथ शेयर करती थी उस टाइम पर, तो ये DIY मैंने खुद बनाया है, पहले ब्लैक कलर में था, बाद में मैंने इसको गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया, तो ये प्रॉपर अभी तक चल रहा है, 4 साल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि DIY आपके बहुत जल्दी टूट फूट जाते हैं, यदि आप केयरफुली सारी चीजें रखते हैं तो लंबे टाइम तक चीजें चलती है, और मेरी तो अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैंने बनाया है वो टूटी फूटी हो, क्योंकि आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों की केयर करते हैं, और मैं अपने DIY हो या घर का कोई भी प्रोडक्ट हो बहुत ही केयरफुली रखती हूँ, अच्छे से पैक करके, यदि मुझे डेकोर भी चेंज करना होता है, तो ये मिरर तो मुझे बहुत पसंद भी है। यदि आप लोगों को DIY करना पसंद है ना, तो मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने उस टाइम पर भी दिवाली के काफी DIY शेयर किए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, घर पर ही आपके पास जो चीजें हैं उनसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो ये मुझे बहुत यूनिक लगा था, तो इस तरीके की पैकेजिंग में आया था एक कार्डबोर्ड, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आए थे वो भी अगेन दूसरे कार्डबोर्ड में आए थे। मेरे बहुत ज्यादा फंबल कर रही हूँ,
आवाज में थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम अभी भी मुझे बोलने में आ रहा है, कंटिन्यू बोलती हूँ तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस तरीके से। तो ये आया है, इसमें मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये सेट ऑफ टू है और ये भी कैंडल होल्डर है, आप इसे एज कैंडल होल्डर भी यूज कर सकते हैं। इवन आप इसमें कैंडीज वगैरह, जैसे बच्चे हैं फेस्टिवल में आ रहे हैं तो आप इसमें चॉकलेट वगैरह भी फिल करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से कंटेनर शेप में आता है और यहाँ पर बर्ड बनी हुई है, ये गोल्डन कलर में है, गोल्डन स्प्रे पेंट आई थिंक इस पे हुआ है, मेटल का है ये नीचे की साइड का जो बेस है कंटेनर है ये मेटल का बना हुआ है और ये वुडन है आई थिंक। हाँ, और काफी अच्छी फिनिशिंग है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी है और इतने कम प्राइस पे। मैं सारे प्राइस साइड में लगा दूंगी ताकि आपको पता चले कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि इतने कम प्राइस पे, जितने में मैंने परचेज किया है वही भी प्राइस में यहाँ पर लगाऊंगी, उसके बाद जो भी ऊपर नीचे हो वो आप देख लेना। तो बहुत अच्छी प्राइस है इसकी और कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की कंटेनर मिल रहे हैं, होल्डर है एक्चुअली कैंडल होल्डर है। तो इसे आप फेस्टिवल में कैंडल होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं, एक में आप कैंडल लगा दीजिए। एक दूसरा जो मैं आपको बताती हूँ, एक और सेट है ये रहा। तो इस तरीके से ये दो कंटेनर है, दो कैंडल होल्डर है, तो इनको इसमें आप कैंडल लगा सकते हैं, इसमें आप कैंडीज वगैरह या चॉकलेट वगैरह बच्चों के लिए फेस्टिवल में रख सकते हैं अपने डाइनिंग एरिया में, तो काफी सुंदर लगेगा। इवन अगर आपको फ्यूचर में चाहते हैं कि आप इसको इस तरीके से यूज नहीं करना तो आप इसको एज अ वाज भी यूज कर सकते हैं। जो हैंगिंग फ्लावर होते हैं जैसे ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसमें इसमें डाल दीजिए और आप कहीं पर भी रख दो, बहुत सुंदर लगेगा। आप इसको मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया। और गोल्डन चीजें ना दिखने में क्लासी लगती है, घर में आप कहीं पर भी रख दो ये बहुत सुंदर लगने वाली है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं फटाफट कर लेना, क्योंकि इसके ज्यादा ऑप्शन नहीं, मैंने देखे मीशो पर एक दो सेलर ही इसको सेल कर रहे हैं, तो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। फिर मुझे कॉमेंट मत करना ये प्रोडक्ट तो आपने इसकी लिंक तो दी ही नहीं है, क्योंकि मैं लिंक तो देती हूँ पर वो ओपन नहीं होती यदि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन बहुत ही सुंदर से कैंडल होल्डर है, मतलब दिवाली के टाइम पर कैंडल्स, लाइटिंग, रंगोली, फ्लावर, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ऑप्शन चूज करके रखे थे। थोड़ा सा लेट हो गया है बट अभी भी आप परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से ये दो कैंडल होल्डर मुझे मिले हैं और ये दिवाली ही नहीं पूरे साल आप इनको कहीं पर भी सजा के रखेंगे, ये बहुत ही सुंदर लगेंगे, क्लासी। जैसे मैंने दिया दिखाया था उसमें भी इसी तरीके की फिनिशिंग थी, सेम यहाँ पर आपको वही फिनिशिंग मिलेगी, इसमें आप कैंडल्स रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हैवी है, कहीं से भी कुछ भी निकला हुआ नहीं है, प्रॉपर फिनिशिंग है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया, अपने डाइनिंग एरिया में या फिर आप अपनी सेंटर टेबल पर कहीं पर भी जो अपनी साइड टेबल है वहां पर आप इनको रखिए, बहुत सुंदर लगेंगे। सेट ऑफ टू है, मुझे लगता है कि मीशो पर अगर आप अच्छे से सर्च करते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, जरूर आप इनको पक्के से परचेस कर लेना, ये आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता मैंने इतने सारे कैंडल होल्डर मंगवा लिए, क्योंकि जो चीजें मुझे पसंद आ रही थी मैं वन बाय वन ऑर्डर लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट नहीं आ पाते और हॉल वीडियो में फिर लेट हो जाता है। तो मैं अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ये भी अगेन एक बहुत ही सुंदर सा लास्ट प्रोडक्ट है, ये कैंडल होल्डर है और इसपे बहुत ही सुंदर सा पिकॉक बना हुआ है, फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा प्यारे कलर यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर आप रख दोगे जैसे कंसोल टेबल पर साइड में यहाँ पे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, मेटल का बना हुआ है, अगेन मेटल की चीजें बहुत अच्छी होती है, बाद में यदि आप कलर चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हैं यदि आपको पेंटिंग वगैरह का शौक है। तो यहाँ पर आप तीन कैंडल रख सकते हो, यहाँ पर भी एक कैंडल रख सकते हो और कहीं पर भी कंसोल टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, कहीं पर भी सेंटर टेबल पर आप इसको लगा सकते हैं। पीछे की साइड पर इस तरीके से पूरा ब्लैक है और सामने से आप इस तरीके से, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस प्राइस पर आप कहीं पर भी चेक कर लेना ये प्रोडक्ट, आप इमेज लेके इससे कम प्राइस पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और मुझे मीशो इसीलिए पसंद है कि होम डेकोर में मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके कम प्राइस पर अच्छी चीजों से अपने घर को सजा पाऊं, तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस की चीजें लेके आती हूं ताकि आप भी अपने घर को अच्छे से सजा पाए इन कम प्राइस की चीजों के साथ, और जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगती है। ऐसा नहीं है कि कम प्राइस की है तो दिखने में अच्छी नहीं आएगी, बस वही है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों में फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि
काफी लोगों से मैंने सुना है कि मीशो पे ये हो जाता है, ये सेलर करते हैं या बीच में कोई गपलेबाजी होती है, आई डोंट नो, पर मुझे तो ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिले हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें कोई भी फेक नहीं है। कुछ लोग मुझे, एक ने मुझे कॉमेंट किया था कि ये तो फेक है, अरे मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो मैंने परचेस किया है, मुझे मीशो फ्री फोकट में सामान नहीं भेजता है, मैं खुद अपने हार्ड मनी से सारी चीजें खरीदती हूँ, आप लोगों के लिए रिव्यू करती हूँ ताकि आप भी अच्छे से इन लोगों को इन चीजों को परचेस कर पाए। तो ऐसे कॉमेंट मत किया कीजिए कि ये फेक है, मेरे वीडियोज में आपको कभी भी कोई भी फेक चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चीजें परचेस करती हूँ एज इट इज आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं तुरंत बोल देती हूँ कि अब इसको बिल्कुल मत परचेस करना। पर आज के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे मिले हैं। दिवाली आने वाली है, इवन आ ही गई है, एक वीक बचा है, उससे पहले इनमें से जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आप परचेस करना चाहते हैं, तुरंत ऑर्डर कर देना, फिर दिवाली आ जाएगी तो आपको हो सकता है टाइमली डिलीवर ना हो, तो अभी ही अगर आपने वीडियो देखा आप तुरंत ऑर्डर कर दो और आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मीशो पर बहुत जल्दी चीजें आउट ऑफ स्टॉक होती है, पर मैं एक दो ऑप्शन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा डालती हूँ ताकि आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर पाए। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो वो जो कंटेनर वाले कैंडल होल्डर है बहुत ज्यादा पसंद आया, वो उरली बहुत, मतलब सारी चीजें मेरी पसंद की है, मुझे बहुत सारे सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। यदि आप अफोर्डेबल प्राइस की चीजें देखना चाहते हैं, आपको होम डेकोर करना पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन, DIY, तो मैं इसी तरीके के अपने वीडियोज वगैरह शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। यदि आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहने के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक भी कर देना, कॉमेंट जरूर कीजिए, कॉमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी है, ताकि मैं उस पर वर्क कर पाऊं। तो मुझे कॉमेंट भी करके बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे तो पता चले कि मेरी जनता कहाँ की है, ऑडियंस कहाँ कहाँ रहती है और उन्हें क्या चीज अच्छी लग रही है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ एक और चीज, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर मैं बहुत ही सुपर एक्टिव हूँ, तो वहां पर चीजें आपको तुरंत मिल जाती है अपडेट, वहां पर मैं स्टोरी वगैरह पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर करती रहती हूँ, अपनी पर्सनल चीजें भी वहां मैं शेयर करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना। आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली है, तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर यहाँ पर बच्चे, कंस्ट्रक्शन, इतनी आवाजें आती है कि मैं इस तरीके से वीडियोस नहीं बना पाती। पर मैंने अभी ले लिया है माइक, इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी, ताकि यदि आप भी इस तरीके के माइक सर्च कर रहे हैं जिसमें वॉइस कैंसिलेशन, नॉइस कैंसिलेशन हो, और ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ जो आप लोगों के काम में आए। यदि आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप मुझे तब भी फॉलो कर सकते हैं, आपके काम की चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज आई थिंक बहुत सारी बातें हो चुकी है, चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।